आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में फिर से, और मैं आज आपके सामने फिर से लेके आती हूँ सरोजी नगर विंटर हॉल। इस वीडियो में ना ही सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी विंटर वेयर हॉल, पर मैं ये आपको बताऊंगी कैसे आप सरोजी नगर के विंटर के कपड़ों को स्टाइल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सरोजी नगर से ला सकते हैं और किस कलर में ला सकते हैं। अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कुछ ज़रूरी चीज़ें आप विंटर के लिए सरोजी नगर से ख़रीद सकते हैं और उसको स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इस तरह आप अपने पैसे भी बचाएंगे और आप अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। जो मेरे पीछे कपड़े पड़े हैं ये 5 और जो मैंने पहना हुआ है ये, तो ये भी सरोजी नगर से है, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक फर स्लीवलेस टॉप मैंने ख़रीदा था। पर हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि इसको मैं अपने इस वीडियो में डालूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा पहला टॉप है जंपर, फिर मैंने एक ये स्लीवलेस स्वेटर, ये मैंने आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, फिर एक ये पोचू है जो केप टॉप भी आप कह सकते हो, फिर ये एक फुल स्लीव स्वेटर है और कार्डिगन भी कह सकते हो उसको, फिर एक आपका जैकेट हो गया। तो ये हुए मेरे 5 कपड़े और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह सिर्फ इन्हीं 5 से 6 कपड़ों के साथ आप अलग अलग तरीके से चीज़ें पहन के अलग देख सकते हो। और इन सभी की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी, हो सकता है सिर्फ 1000 के अराउंड या 1500 के अंदर होगी, क्योंकि आपको भी ये पता है कि जो स्वेटर्स है और कार्डिगन्स है वो आपको 100, 200, 300 में मिल जाते हैं और जैकेट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो कुल मिला के ये 1000 से 1500 के बीच में होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी किस तरह आप चीज़ें खरीद के स्टाइल कर सकते हैं सरोजनी नगर के आइटम। और अगर आप देख सकते हैं तो ये सारे जितने भी आइटम्स हैं मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए सारे न्यूट्रल कलर में, न्यूट्रल कलर वो होते हैं जैसे कि बहुत कॉमन और बेसिक कलर, जैसे कि ब्लैक, वाइट और कैमल कलर लाइक ऑफ वाइट या बेज कलर, तो ये सारे के साथ चल जाते हैं। इसी वजह से ही यहाँ पे जितने ही मैंने कपड़े रखे हैं वो एक दूसरे के साथ जब पहने जाएंगे तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए और अगर आप भविष्य में सरोजनी नगर जाए तो विंटर वेयर में इस तरह के कपड़े खरीद सकते हैं जो कि आपको बहुत स्टाइलिश लुक दे देता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको मैं ये दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है, इसके ऊपर मैं ये ब्लैक जैकेट पहनती हूँ जो कि मैंने सरोजनी नगर में से लिया था। तो यहाँ पे बात आती है शॉर्ट चीज़ों को, स्लीवलेस चीज़ों का आप ऐसे प्यार करिए, और ये फर है, यहाँ पे फर है, दोनों साथ में जा रहा है काफ़ी अच्छा। जीन्स पहना हुआ है तो ये रहा मेरा फर्स्ट लुक। तो अगर हम कहें तो आप जब सरोजनी नगर में जाएँ, और मेरी माने तो ये इस तरह के अगर आपको फर वाले टॉप मिलते हैं तो ज़रूर उसको खरीदें, क्योंकि ये बहुत ही फैंसी दिखता है और इतने ज़्यादा दाम के भी नहीं होते और आपको ईजिली मिल जाता है वहाँ पर। जो ये नहीं कि आप मेरी तरह स्लीवलेस लें, क्योंकि ये जो टॉप है मैं अभी आपको बताऊंगी आगे चलते कि क्यों ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, क्यों ये स्लीवलेस है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे लुक पे। जब भी आप वहाँ से कुछ खरीदें तो वो न्यूट्रल कलर के होने चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास ब्लैक नहीं है तो ब्लैक सबसे पहले लीजिए और उसके बाद जो आपको लेना है वो आप लेते रहिए। और एक और बात ये कि अगर आप ब्लैक लेते हो या न्यूट्रल कलर लेते हो जो कि आप सोचते हो कि बहुत साल तक आपको चलाना है, तो उस तरह की चीज़ों को आप फ्रेशनेस चीज़ उसकी देख के लीजिए, ना कि उसका दाम देख के लीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो कि अगर सस्ती है तो उस वो इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती है, कभी कभी हाँ वो भी अच्छी क्वालिटी की निकल जाती है। तो जब आपने इस तरह का कोई न्यूट्रल लुक पहना हुआ है तो आप इसके ऊपर आप और क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इस तरह के काफ़ी पोचो मिल रहे होते हैं, तो इसके लिए भी आपको अंदर पहनने के लिए एक ब्लैक कलर का जंपर ज़रूर खरीदना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पोचो मैंने पहन लिया है इस ब्लैक टॉप के साथ, और देख सकते हैं ये कितना डिफरेंट लुक दे रहा है, और ये थोड़ी सी लाइट विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आप आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया मेरा पोचो। अब नेक्स्ट क्या, तो इट्स वेरी सिंपल, अब आपके पास अगर इस तरह का पोचो है तो आप उसको उतारिए।
में बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको बस ऐसे फोल्ड करिए जहाँ पे उसका नेक था, तो इस तरह फोल्ड करके आप इसको गले पे लगाइए और पीछे से ऐसे क्रॉस करके। देख सकते हैं ना, ये आपका सिर्फ टॉप या पोचो का काम करता है बल्कि ये आपका मफलर भी बन जाता है और ये बहुत ही डिफरेंट लुक आपको देता है। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप एक जैकेट भी पहन सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये एक क्रीम कलर का न्यूट्रल कलर का जैकेट इसके ऊपर डाल लिया है और जो कि बहुत ही अच्छा इसके साथ मफलर के साथ जा रहा है और अंदर एक सॉलिड ब्लैक कलर लुक है और इसका ये कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सारे बहुत ही बेसिक कलर्स हैं, तो यही मैंने आपको बोला है कि अगर आप सबरी जगह जाते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए बेसिक चीज़ों को लेने के लिए। उसके बाद अगर आप फिर से जा रहे हो, वापस से जा रहे हो, तब आप बाकी चीज़ें ले सकते हो। और हाँ, जब भी आप बेसिक चीज़ें ले तो जैसे कि मैंने कहा है आपसे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लें और हो सके तो अगर आप ओवरकोट लेते हैं तो उसको ड्राई क्लीन भी आप करने के लिए दे सकते हैं। तो ये जो ओवरकोट है इतना ये ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट है, तो इसको मैं लाइट विंटर्स के साथ भी पहन सकती हूँ, अंदर एक समर का टॉप पहन के, या फिर मैं ऐसे अंदर स्वेटर और मफलर के साथ में इसको भी डाल सकती हूँ, तो इस तरह ये मेरी ठंड रोक देता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने देख सकते हैं मैंने वही सेम ब्लैक जंपर पहना है और उसके ऊपर ही मैंने ये स्लीवलेस स्वेटर डाल लिया है। और ये स्लीवलेस स्वेटर भी अगर आप देखते हैं तो ये ग्रे कलर का है जो कि इसको बना देता है न्यूट्रल या बहुत ही बेसिक चीज़। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें एक फुल स्लीव जंपर बेसिक चीज़ खरीद ली है तो उसके ऊपर ही अगर आपने स्लीवलेस स्वेटर ऐसे डाल दिया तो काफ़ी अलग लुक दे रहा है। अगर इसे कोई आपको और प्रेप करना है और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना है तो इस पर आप एक ज्वेलरी भी डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियोस में बताया है तो ज्वेलरी की दुकान ICICI बैंक के सामने है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो जो मैंने अभी स्वेटर पहना हुआ था ऑफ वाइट, हम उसको फिर से पहन सकते हैं, वरना इसके साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लैक लग रही है, ब्लैक ग्रे हो रहा है, तो क्यों ना हम अपना छोटा जैकेट पहन ले, क्योंकि ये टॉप यहाँ तक हमारी फुल है तो हमें ठंड से यहाँ तक बचा ही रही है। तो अब मैं इसके ऊपर अच्छा पार्टी लुक आपको दे रहा है क्योंकि आपने एक अच्छी ज्वेलरी डाली हुई है और ऑल ब्लैक लुक है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया अपने साथ या कुछ। बहुत ही अच्छा डिसेंट लुक आपको दे रहा है। नेक्स्ट लुक में जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत ही पार्टी लुक आ रहा है, तो अब इसी को और थोड़ा पार्टी और फेस्टिव करने के लिए मेरे पास एक और आइडिया है, पर उसके लिए मैं इस नेक पीस को उतार देती हूँ वरना थोड़ा सा ब्लिंगी हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने ये टॉप पहना हुआ था, इस तरह का कुछ पहना हुआ था। अब आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में एक मफलर है, तो जिसको कि आप ऐसे करके अंदर पहन सकते हैं। तो इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें आपको सरोजिनी नगर में मिल जाती है। आप रहे तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा टॉप अब मफलर बन गया है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको साइड में भी ऐसे डाल के आप पहन सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में एक्रोमैटिक कलर भी होता है जो कि ब्लैक ग्रे व्हाइट को कहा जाता है। तो आप इस एक्रोमैटिक लुक को पाने के लिए, क्योंकि मैंने ये ब्लैक ग्रे ऑलरेडी पहना हुआ है, तो ये काफ़ी ईजिली अब अचीव हो सकता है। जबकि मैंने नेवी ब्लू चाहे जीन्स पहनी है, पर आप उसको इग्नोर करिए क्योंकि वो इतना डार्क है कि वो ऑलमोस्ट ब्लैक को रिजेंबल कर रहा है, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
पे लॉन्ग कार्डिगन है तो ये बहुत ही अच्छा क्लियर, इट्स नॉट ड्रास्टिक, इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है क्योंकि अंदर मैंने ब्लैक पहना फिर ग्रे और फिर वो लाइट हुआ है वाइट पे, तो इसलिए इतना ये कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा सोबर लुक लेके आ रहा है। और ये फ्रंट टाइट है तो अगर आपको बांधना है तो आप बांध सकते हैं, वरना आप इसको खुला भी रह रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर काफ़ी ठंड है तो हम अपने जैकेट पहन सकते हैं, और इस बार हम क्योंकि पहने हैं लंबा कार्डिगन तो इसलिए हम लंबा कोट पहनते हैं। कोई कॉलर पहनते हो तो उसको आप हमेशा बाहर निकालिए, वरना अंदर ये बहुत बल्कि हो लग जाता है जब आप लेयर कर रहे होते हो, तो एकदम अलग से मफलर की तरह लुक लेके आ रहा है, एकदम अलग से शॉल कॉलर जैसा लुक लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा एक साथ दिख रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं तो ये सारे कलर्स न्यूट्रल है, इसलिए एक साथ ही काफ़ी अच्छे जच रहे और एक साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट करता है आपको विंटर से, आपको इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो ये सारे थे मेरे लुक जो कि मैंने 1000 से 1500 के बीच में अचीव किया है, और आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप सरोजिनी नगर जाएंगे तो आप इन टिप्स को ज़रूर याद रखेंगे और इस तरह आप शॉपिंग करेंगे अच्छे से, और आप भी स्टाइलिश दिख सकते हैं इतने